हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट वेजाइना के बारे में स्टडी किया था। अब वेजाइना से नेक्स्ट जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट है वो कौन से? एक्सटर्नल जेनिटेलिया होते हैं। तो फीमेल के अंदर बहुत सारे एक्सटर्नल जेनिटेलिया प्रेजेंट होते हैं और इन सभी एक्सटर्नल जेनिटेलिया को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? यूल्वा। क्या बोलते हैं? V-U-L-V-A, यूल्वा। ओके, अब एक और नाम आता है यूग्ला, U-V-U-L-A। इन दोनों में डिफरेंस याद रखना। यूल्वा क्या है? फीमेल की जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है उन सभी को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? यूल्वा। और एक है यूग्ला। यूग्ला जो माउथ के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है उसको बोलते हैं यूग्ला। क्लियर? तो इन दोनों में डिफरेंस आप याद रखना। तो अगर हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करें तो फीमेल के अंदर कौन कौन से एक्सटर्नल जेनिटेलिया प्रेजेंट है? मोन्स प्यूबिस प्रेजेंट है, देन लेबियम मेजोरम, देन लेबियम माइनोरम, और उसके अलावा ये हाइमन प्रेजेंट होगा यहाँ पर, और ये क्लाइटोरिस प्रेजेंट होगा, और ये फोर्चिटी और पेरिनियम। तो ये सभी जो पार्ट्स है ये फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसके बारे में? मोन्स प्यूबिक के बारे में, मोन्स प्यूबिस के बारे में। ओके, तो अगर हम इस डायग्राम को देखें, इस डायग्राम के अंदर ये जो साइड है ये कौन सी साइड है? एंटीरियर साइड है। कौन सी साइड है? एंटीरियर साइड है। और ये जो साइड है ये कौन सी है? पोस्टीरियर साइड है। किसी ऑर्गेनिज्म को अगर हम देखें, सपोज करो ये एक डॉग है, ये एक डॉग है, ठीक है, इसकी ये माउथ साइड है और ये टेल है। तो ये जो माउथ की साइड है दिस इज द एंटीरियर साइड, और ये जो टेल की साइड है दिस इज द पोस्टीरियर साइड। अपर साइड इज डोर्सल साइड एंड लोअर साइड इज वेंट्रल साइड। तो अगर हम ये दो पॉइंट एक दूसरे के रेफरेंस में कंपेयर करें, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये पॉइंट एंटीरियर होगा और इसके रेफरेंस में ये पॉइंट कैसा होगा? पोस्टीरियर होगा, ठीक है। तो यहां पर भी ये जो पार्ट है ऊपर की साइड है दिस इज द एंटीरियर पार्ट, और ये नीचे की साइड जो पार्ट है दिस इज द पोस्टीरियर पार्ट। तो सबसे पहले जो एंटीरियर मोस्ट रीजन पे, एंटीरियर मोस्ट रीजन के ऊपर एक फैटी टिश्यू की लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं मोन्स प्यूबिस। फैटी टिश्यू प्रेजेंट होगा, उसकी लेयर को हम क्या बोलते हैं? मोन्स प्यूबिस, लेयर ऑफ फैटी टिश्यू, लेयर ऑफ फैटी टिश्यू। और ये जो फैटी टिश्यू है इट विल बी कवर्ड बाय द स्किन एंड हेयर, कवर्ड बाय स्किन एंड हेयर। तो ये जो मोन्स प्यूबिस है उसके अंदर फैटी टिश्यू की लेयर प्रेजेंट होंगी, और इसकी कवरिंग क्या होगी? स्किन, और वहां पर हेयर्स प्रेजेंट होंगे। जो ब्लैक ब्लैक डॉटेड यहां पर दिख रही स्ट्रक्चर, दीज आर द प्यूबिक हेयर्स। ओके, इसके बाद इसके हम कुछ नीचे की तरफ पोस्टीरियर साइड पे देखें, मोन्स प्यूबिस के पोस्टीरियर साइड के ऊपर देखें तो हमें यहां पर एक ये स्ट्रक्चर दिखेगी। दिस स्ट्रक्चर इज द क्लाइटोरिस। ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? क्लाइटोरिस है। ऐसा साइंटिस्ट कहते हैं कि क्लाइटोरिस जो है इट इज होमोलोगस टू ग्लैंड्स पेनिस, होमोलोगस टू ग्लैंड्स पेनिस। क्यों इसको हम ग्लैंड्स पेनिस के होमोलोगस बोल रहे हैं? क्योंकि जो मेल यूरिन पेनिस है इट इज मेड ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू। पहले जब हमने मेल के पेनिस के स्ट्रक्चर को देखा था तो उसमें तीन इरेक्टाइल सिलेंड्रिकल टिश्यू प्रेजेंट थे। कौन कौन से थे? कॉर्पस कैवर्नोसा एंड कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। तो इसके अंदर भी ये जो क्लाइटोरिस है इट इज मेड अप ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू का ये बना हुआ है। इसके अलावा जो डिफरेंस क्या होंगे फीमेल के क्लाइटोरिस में और मेल के पेनिस में, तो क्या क्या डिफरेंसेस होंगे?
क्लाइटोरिस का साइज जनरली मेल के पेनिस से स्मॉलर होता है, और इसके अलावा इसमें कोई फर्दर डिविजन्स नहीं होते, लेकिन मेल के पेनिस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। और एक और डिफरेंस क्या होगा, ये जो फीमेल का क्लाइटोरिस है इसके अंदर से कोई ओपनिंग या कोई पासेज नहीं होता, लेकिन मेल के केस में पेनिस के थ्रू यूरिथ्रा पास होता है। ओके, तो ये क्या है, एक टिश्यू का मास है जो कि इस पोर्शन के ऊपर प्रेजेंट होता है, एंड इट दिस इज होमोलोगस टू द ग्लैंड पेनिस ऑफ द मेल। ओके, ग्लैंड पेनिस ऑफ द मेल। अब इस ग्लैंड क्लाइटोरिस के बाद ये जो एरिया दिख रहा है हमें, ये जो एरिया दिख रहा है दिस एरिया इज द लेबियम मेजोरा, दिस एरिया इज द लेबियम मेजोरा। लेबियम मेजोरा कैसे बनेगा, इस एरिया में, इस रीजन के अंदर, इस रीजन के अंदर स्किन की दो फोल्डिंग प्रेजेंट है, स्किन की दो फोल्डिंग प्रेजेंट है। तो ये जो दो स्किन की फोल्डिंग्स प्रेजेंट है इनको क्या बोल रहे हैं, लेबियम मेजोरा बोल रहे हैं। सो लेबियम मेजोरा इज द टू स्किन फोल्डिंग्स, टू स्किन फोल्डिंग। तो ये स्किन फोल्डिंग होगी और दूसरी ये स्किन फोल्डिंग होगी। तो ये दोनों स्किन फोल्डिंग्स को हम क्या बोलते हैं, लेबियम मेजोरम या लेबियम मेजोरा बोलते हैं। इसके अलावा इसको देखें तो ये यहां तक प्रेजेंट है, ये यहां तक प्रेजेंट है, बाहर की साइड तक प्रेजेंट है। तो जो लेबियम मेजोरा है वो इस एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बाउंड्री को लिमिट करता है, लिमिट्स द बाउंड्री ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया, लिमिट्स द बाउंड्रीज ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ओके, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इसके अलावा इस रीजन में, इसके अलावा इस रीजन में बहुत सारी सीबेसियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट है, सीबेसियस ग्लैंड्स प्रेजेंट है, न्यूमेरस सीबेसियस ग्लैंड। जिनको हम ऑयल ग्लैंड भी बोलते हैं, ऑयल ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं, ऑयल ग्लैंड्स भी बोलते हैं। तो मेल फीमेल के केस में लेबियम मेजोरा किसके होमोलोगस होगा, लेबियम मेजोरा इज होमोलोगस टू मेल स्क्रोटम, होमोलोगस टू मेल स्क्रोटम। तो ये जो लेबियम मेजोरा है इट इज होमोलोगस टू मेल स्क्रोटम। अब इस लेबियम मेजोरा के अंदर की साइड दो और स्किन फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती है, ये जो दो स्किन फोल्डिंग्स प्रेजेंट है इनको हम बोलते हैं लेबियम माइनोरा। क्या बोलते हैं, लेबियम माइनोरा बोलते हैं। लेबियम माइनोरा के अंदर इस एक्सटर्नल जेनिटेलिया की जो मिड लाइन है, लेबियम माइनोरा के अंदर ये जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है इसकी जो मिड लाइन है, ये मिड लाइन है, इस पे अगर हम देखें तो दो ओपनिंग्स प्रेजेंट है, यहां पर एक ओपनिंग और यहां पर दूसरी ओपनिंग। जो ऊपर की साइड एंटीरियर साइड पे जो ओपनिंग प्रेजेंट है दिस इज द यूरेथ्रल ओपनिंग। क्या है, यूरेथ्रल ओपनिंग या यूरेथ्रल ओरिफिसे बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल ओपनिंग या यूरेथ्रल ओरिफिसे बोलते हैं, यूरेथ्रल ओपनिंग और यूरेथ्रल ओरिफिस। ओके, इसके अलावा इसके पोस्टीरियर साइड पे, इसके पोस्टीरियर साइड पे वेजाइनल ओपनिंग और वेजाइनल ओरिफिस प्रेजेंट होता है। ओके, तो जो ये यूरेथ्रल ओपनिंग है, यूरेथ्रल ओपनिंग है इसमें से यूरिन पास होगा, और जो वेजाइनल ओपनिंग है उसमें से जो मेंस्ट्रुएशन फ्लो या जो एग वगैरह का डिस्चार्ज होना होता है बॉडी से, वो सभी जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक के सिक्रीशंस है वो सभी इन वेजाइनल ओपनिंग के थ्रू बॉडी से बाहर निकलेंगे। और यहां पर एक चीज और नोट डाउन करने की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फीमेल के केस में
जो ये वेजाइनल ओपनिंग है फीमेल के केस में, ये जो वेजाइनल ओपनिंग है ये पार्शियली कवर्ड होती है, पार्शियली कवर्ड होती है किसके थ्रू, एक मेम्ब्रेन के थ्रू। ये जो ब्रेड बैंड्स में बना हुआ दिस इज मेम्ब्रेन। तो ये जो मेम्ब्रेन है कवर्ड बाय, पार्शियली कवर्ड बाय ये मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड एज हाइमन, विच इज कॉल्ड एज हाइमन। तो फीमेल के केस में जो वेजाइनल ओपनिंग है उसको ये हाइमन कवर करके रखता है, और इस हाइमन के अंदर एक स्मॉल पोर प्रेजेंट होता है, एक छोटा सा पोर प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू जो मेंस्ट्रुएशन फ्लो है वो इजीली बॉडी से बाहर आ सके। क्या आ सके? मेंस्ट्रुएशनल फ्लो जो है वो इजीली बॉडी से बाहर आ सके। फीमेल के केस में जब पुराने टाइम में, पुराने टाइम की बात करें तो इस हाइमन की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे फीमेल की वर्जिनिटी को टेस्ट किया जाता था। लेकिन ये जो टेस्ट करने का मेथड है ये बिल्कुल ही गलत होता है, क्योंकि फीमेल जब किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करे या कोई सडन उनको झटका लग जाए या फिर साइकिलिंग की वजह से, तो इन सभी में रीजंस की वजह से हाइमन जो है वो ब्रेक हो सकता है। हाइमन क्या है? ब्रेक हो सकता है। और बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें फीमेल्स जो इंटरकोर्स के बाद भी हाइमन परसिस्ट रहता है, मतलब हाइमन इंटरकोर्स के बाद भी ब्रेक नहीं होता। तो बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनमें इंटरकोर्स के बिना ही हाइमन ब्रेक हो गया, और बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनमें इंटरकोर्स के बाद भी हाइमन ब्रेक नहीं हुआ। तो हाइमन की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि फीमेल वर्जिन है या नहीं है। ओके, नाउ नाउ ये क्या थे हमारे लेबियम माइनोरा। इन लेबियम माइनोरा के अंदर भी, इन लेबियम माइनोरा के अंदर भी सीबेसियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, और ये पोस्टीरियर साइड, दिस इज द इंटीरियर साइड, दिस इज द पोस्टीरियर साइड। इस पोस्टीरियर साइड पे ये दोनों स्किन की जो फोल्डिंग है ये दोनों आपस में जाके मिल जाती है, और जिस रीजन के ऊपर जाके ये मिल रही है उस रीजन को क्या बोलते हैं हम? फोरचिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोरचिटी बोलते हैं। और फीमेल का जो ये लेबियम माइनोरा है, क्या है? फीमेल के अंदर जो लेबियम माइनोरम या लेबियम माइनोरा है, इट इज होमोलोगस टू, इट इज होमोलोगस टू पिनाइल यूरेथ्रा, होमोलोगस टू पिनाइल यूरेथ्रा, पिनाइल यूरेथ्रा। जनरली जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं तो इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेबियम माइनोरम किसके होमोलोगस है और लेबियम मेजोरम किसके होमोलोगस है। तो इसको कैसे याद रखें हम? मेजर स्कोर, मेजर जो है वो स्क्रोटम, मेजर जो है स्क्रोटम, मेजर स्कोर हमको करना है किससे? माइनर पैन से, माइनर पैन से हम मेजर स्कोर करेंगे। क्लियर? माइनर पैन से मेजर स्कोर करेंगे। तो माइनर पिनाइल, पैन से पिनाइल, और मेजर में स्कोर से स्क्रोटम। तो ऐसे याद रखना कि माइनर पैन से मेजर स्कोर करेंगे हम। ठीक है, तो ये दोनों ऑर्गन्स जो किस किस के होमोलोगस है वो आपको अच्छे से इस ट्रिक से याद रहेगा। क्लियर? नाउ इसके बाद जो आगे और पोर्शन है ये क्या? फोरचिटी है। फोरचिटी के बाद ये जो एरिया है, दिस एरिया प्रेजेंट बिटवीन द एरिया प्रेजेंट बिटवीन फोरचिटी एंड एनस, एरिया प्रेजेंट बिटवीन फोरचिटी एंड एनस इज कॉल्ड एज पेरिनियम, कॉल्ड एज पेरिनियम। नाउ फीमेल के केस में कौन कौन सी ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी? ग्लैंड्स की अगर हम बात करें, ग्लैंड्स की अगर हम बात करें तो फीमेल के अंदर दो वेस्टिबुलर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट है? ग्लैंड्स की अगर हम बात करें तो फीमेल में दो वेस्टिबुलर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, टू वेस्टिबुलर ग्लैंड्स आर प्रेजेंट।
अब ये वेस्टिबुलर ग्लैंड्स क्या है, ये वेस्टिब्यूल रीजन में प्रेजेंट होंगी। कहां प्रेजेंट होंगी? वेस्टिब्यूल रीजन में। अब ये वेस्टिब्यूल रीजन कौन सा है फीमेल के इस एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में? ये जो एरिया है किसके बीच में? लेबियम माइनोरम की स्किन फोल्डिंग के बीच में। ये जो बाहर की साइड स्किन फोल्डिंग थी, इनको हम क्या बोले? लेबियम मेजोरम। एक ये स्किन फोल्डिंग है और दूसरी ये स्किन फोल्डिंग है, और इन स्किन फोल्डिंग्स के अंदर ये दो और स्किन फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती है, इनको क्या बोल रहे हैं? लेबियम माइनोरम। तो लेबियम माइनोरम के अंदर का जो ये एरिया है, दिस एरिया, ये जो एरिया है कहाँ का? लेबियम माइनोरम के अंदर का। इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल बोलते हैं। सो दिस एरिया इज वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल। तो ये जो एरिया है, दिस एरिया इज वेस्टिब्यूल। तो इस वेस्टिब्यूल रीजन में दो वेस्टिबुलर ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी। दो वेस्टिबुलर ग्लैंड्स कहां प्रेजेंट होंगी? एक तो यूरेथ्रल ओपनिंग के साइड में प्रेजेंट होंगी और दूसरी वेजाइनल ओपनिंग के साइड में प्रेजेंट होंगी। तो दो ग्लैंड्स हैं, फर्स्ट इज इसके नाम से देखो, पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड, पैरा यूरेथ्रल, पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड और ग्लैंड ऑफ स्किनी, पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड और ग्लैंड ऑफ स्किनी। इसको मेनली किस नाम से बोलते हैं? क्या किस नाम से बोलते हैं? लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड, लेसर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड के नाम से इस ग्लैंड को हम बोलते हैं। तो ये पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड और ग्लैंड ऑफ स्किनी और वेस्टिबुलर, लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड कहां प्रेजेंट होंगी? ये जो यूरेथ्रा ओपनिंग है, यूरेथ्रल ओपनिंग है, इसके दोनों साइड प्रेजेंट होंगी। ये जो यहां पर इस रीजन में ये ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी, इस रीजन में ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी, और इनका नंबर क्या होगा? बहुत सारा, न्यूमेरस, न्यूमेरस। ओके, न्यूमेरस इनका नंबर होगा। और ये ग्लैंड्स किसके होमोलोगस होगी? होमोलोगस टू मेल की कौन सी ग्लैंड के होमोलोगस होगी? प्रोस्टेट ग्लैंड के होमोलोगस, प्रोस्टेट ग्लैंड के ये होमोलोगस होगी। तो इनके जो सिक्रीशन है, ये जो सिक्रीट करती है वो किसका सिक्रीशन करती है? म्यूकस का सिक्रीशन, म्यूकस का सिक्रीशन करती है। और इनके नंबर कितने होंगे? बहुत सारे होंगे, प्रेजेंट ऑन द बोथ साइड ऑफ यूरेथ्रल ओपनिंग और यूरेथ्रल ओरिफिसी। ओके, जो सेकंड ग्लैंड है, सेकेंड ग्लैंड कौन सी है यहां पर? यहां पर लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड थी फर्स्ट, सेकेंड इज ग्रेटर, ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड। और इसका दूसरा क्या नाम होगा? दूसरा जो नाम है इसका, बार्थोलिन ग्लैंड बोलते हैं इसको। क्या नाम है? बार्थोलिन ग्लैंड। अब इस ग्लैंड की लोकेशन देखें हम, दिस ग्लैंड इज प्रेजेंट पोस्टीरियर टू दिस पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड्स, पोस्टीरियर टू पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड्स एंड ऑन ईदर साइड ऑफ दिस वेजाइनल ओपनिंग, ऑन ईदर साइड ऑफ दिस वेजाइनल ओपनिंग। तो इस इन पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड और लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स के पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट होंगी। अगर हम साइड की बात करें तो जो ये यूरिथ्रल ओपनिंग है, इसके दोनों साइड ये ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी। तो इनका नंबर क्या है? पेयर, मतलब दो ग्लैंड है ये, ठीक है। और ये जो बार्थोलिन ग्लैंड है, इट इज होमोलोगस टू, होमोलोगस टू मेल्स कौन सी ग्लैंड के? कोपर्स ग्लैंड्स, कोपर्स ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं इसको,
ये जो ग्लैंड है बार्थोलिन ग्लैंड, बार बी से याद रखना, बार बी जो है बी कॉमन है, तो बार्थोलिन ग्लैंड इज होमोलोगस टू बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है, कोपर्स ग्लैंड। तो जब हमने मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स, रिप्रोडक्टिव एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में स्टडी किया था, तो वहां पर हमने देखा था कि जो ये बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है, जो ये बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है, ये लुब्रिकेंट का सिक्रीशन करती है, लुब्रिकेंट का सिक्रीशन करती है। तो इस केस में भी, फीमेल के केस में भी, जो ये बार्थोलिन ग्लैंड है वो एक लुब्रिकेंट का ही सिक्रीशन करेंगे, लुब्रिकेंट का ही सिक्रीशन करेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में इतना ही आपको याद रखना है। फिर जो हमारा नेक्स्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट आता है वो कौन सा है, ब्रेस्ट आता है। ओके, उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।